उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना रहेगी नहीं रहेगी बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उद्धव ठाकरे अकेले नहीं है, एक नहीं दो दो बेटे तैयार हैं, राज ठाकरे भाई हैं। अब भाई भाई की मदद करता है नहीं करता है तो बड़ा सवाल है, लेकिन बेटे तो पिता की मदद करेंगे ही करेंगे। ऐसे में आदित्य के बाद एक और बेटे को तैयार कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। वैसे कुर्सी जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को बचाने की कवायद अलग अलग स्तर पर शुरू कर दी है। इस वक्त शिवसेना का उद्धव गुट अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। संजय राउत के जेल जाने से ही ठाकरे परिवार को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच खबर यह है कि उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे राजनीति में किस्मत आजमाने उतर रहे हैं। कहा जा रहा है कि उद्धव इस बात का ऐलान तेजस के जन्मदिन पर कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस ठाकरे को शिवसेना की यूथ विंग की कमान सौंपी जा सकती है, वही यूथ विंग जिसकी कमान सबसे पहले राज ठाकरे ने संभाली थी और राज ठाकरे काफी लोकप्रिय हुए थे। इसी यूथ विंग की कमान के बाद उनके शिवसेना प्रमुख बनने या बाला साहब ठाकरे की गद्दी संभालने के कयास भी बहुत तेज हो गए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये कुर्सी मिली थी उद्धव ठाकरे को उसी यूथ विंग पर, अब तेजस ठाकरे को मौका मिलने जा रहा है। इसी यूथ विंग के जरिए आदित्य ठाकरे ने राजनीति में कदम रखा था। बहरहाल इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवसेना में बड़ा फेरबदल हो सकता है। आदित्य ठाकरे को शिवसेना का कार्याध्यक्ष बनाया जा सकता है, ये भी एक बड़ी संभावना दिखाई पड़ रही है। हालांकि अटकलों का बाजार है और अभी तो किसकी होगी शिवसेना यही सवाल चल रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता के लिहाज से लोगों के बीच जगह बनाने के लिए बाला साहब ठाकरे की विरासत के नाम पर उद्धव ठाकरे अपने दोनों बेटों का सहारा लेकर शिवसेना को अपने साथ रख सकते हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के बड़े बेटे आदित्य ठाकरे ने पिछले 2.5 सालों में पर्यटन मंत्री, पर्यावरण मंत्री, मुंबई के संरक्षक मंत्री और राज शिष्टाचार मंत्री का दायित्व संभाला है। मुख्यमंत्री बने रहते हुए जब उद्धव ठाकरे ने लंबी बीमारी के बाद फेसबुक लाइव के माध्यम से जनता से संवाद किया था, तब उन्होंने आदित्य ठाकरे की ये कहकर तारीफ की थी कि उनकी बीमारी की हालत में आदित्य ठाकरे ने काफी हद तक उनकी जिम्मेदारियों को हल्का किया। अब शिवसेना के कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने यह मांग उठाई है कि शिवसेना के कार्याध्यक्ष के तौर पर आदित्य ठाकरे की जिम्मेदारियां बढ़ाई जाएं और तेजस ठाकरे को युवा सेना की कमान सौंप दी जाए। शिवसेना के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ये मांग आदित्य ठाकरे को भावी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की ओर बढ़ाया गया कदम समझा जा रहा है। ऐसा समझा जा रहा है कि इस मकसद से जल्दी ही शिवसेना में फैसले लिए जाने वाले हैं। युवा सेना शिवसेना की यूथ विंग है। राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे जैसे नेतृत्व युवा सेना में भी सामने आए हैं। इस तरह से तेजस ठाकरे को सक्रिय राजनीति में उतारने से पहले युवा सेना से बेस तैयार करने की तैयारी दिखाई दे रही है, इसीलिए उन्हें युवा सेना की कमान सौंपने की मांग भी की जा रही है। इसी तरह आदित्य ठाकरे को भी भावी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए पहले उन्हें शिवसेना का नेता पद और फिर कार्याध्यक्ष पद दिए जाने की मांग की जा रही है। रणनीति ऑलमोस्ट फाइनल है, बस अमल में लाना बाकी है। तेजस नाम के साथ ठाकरे जुड़ा होना शिवसेना मतदाताओं और कार्यकर्ताओं में एक आकर्षण रखता है, लेकिन तेजस ठाकरे खुद अब तक राजनीति से दूरी रखते आए हैं। अब अगर वो सक्रिय राजनीति में उतरते हैं तो उनका ठाकरे होना शिवसेना को इस संकट की घड़ी में फिर से खड़ा करने में काम आ सकता है या आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। शिवसेना के बड़े बड़े नेता शिंदे गुट के साथ चले गए हैं, ऐसे में शिवसेना के भीतर नया नेतृत्व तैयार करने में वो आदित्य ठाकरे को मदद कर पाएंगे, ये भी एक सवाल है। और अहम सवाल तो कई उठते हैं, तेजस ठाकरे का कितना असर पड़ेगा, अभी राजनीति में नए नए हैं कितना चार्म होगा, लेकिन ठाकरे नाम बहुत महत्वपूर्ण है। तेजस ठाकरे ने अपनी तरफ से भी सक्रिय राजनीति में आने में तैयारी दिखाई है। कोल्हापुर दौरा करते हुए उन्होंने कुलस्वामिनी माता एक वीरा देवी के दर्शन किए। लोनावला में भी माता एक वीरा देवी का दर्शन करते हुए उन्होंने शिवसेना पर आए संकट को दूर करने की प्रार्थना की। अब देखना है कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने बेटों के कंधों पर कितनी जल्दी ये बड़ी जिम्मेदारियां डालने ऐलान करते हैं। वहीं इन अटकलों के बीच भाजपा नेता नीलेश राणे ने तेजस ठाकरे पर जमकर निशाना भी साधा है। राणे ने कहा कि तेजस के पास राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, अब तक वो दोस्तों और छिपकलियों की तलाश में जंगल में घूमते रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि उन्हें जो कुछ भी मिला वो ठाकरे सरनेम के कारण ही हासिल हुआ है। नीलेश राणे ने आगे कहा कि अगर सभी पद ठाकरे परिवार के पास रहेंगे तो कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि वो किसका समर्थन करेंगे। उद्धव ठाकरे से लेकर तेजस ठाकरे तक को ठाकरे सरनेम की वजह से ही सब कुछ हासिल हुआ है, बाकी की उपलब्धियां तो शून्य है। ये आरोप बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें ये भी देखना होगा कि ठाकरे सरनेम जरूरी है।
ये बात एकनाथ शिंदे को भी समझ में आ रही है, लिहाजा राज ठाकरे के चक्कर काटे जा रहे हैं। वहां भी क्या है, ठाकरे सरनेम, एक विधायक नहीं चाहिए, मन से नहीं चाहिए, चाहिए ठाकरे सरनेम। स्मिता ठाकरे, निहार ठाकरे क्या है साथ में, कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, कोई राजनीतिक पकड़ नहीं है, ठाकरे सरनेम। यानी एकनाथ शिंदे खुद भी ठाकरे सरनेम के इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। वो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे पर हमला नहीं करते हैं, उनके खिलाफ अयोग्यता के नोटिस नहीं भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे का, ठाकरे सरनेम का सम्मान करते हैं। ये ठाकरे बहुत महत्वपूर्ण है शिवसेना की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में। लिहाजा तेजस ठाकरे को अगर विरासत में ठाकरे मिला है तो इससे कार्यकर्ताओं को कोई परहेज नहीं होगा। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई, सोचिए कोई और नेता इस तरह से अपना संगठन खड़ा कर सकता था यदि यही ठाकरे उसके साथ न लगा होता तो। उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी तैयारी की है, बहुत सोची समझी रणनीति है। अभी तक वो सत्ता में थे, 2.5 साल का उनका सत्ता का समय बीत चुका है। का कहना बाला साहब ठाकरे का सपना था शिवसेना का मुख्यमंत्री हो, और जो महागाड़ी गठबंधन के साथी थे उनकी मांग थी कि आप ही को चेहरा होना होगा, लिहाजा उन्हें मुख्यमंत्री बनना पड़ा 2.5 साल बाद। वैसे भी महाविकास अघाड़ी की तरफ से मांग उठ सकती थी कि एनसीपी की तरफ से कोई और चेहरा, या कांग्रेस की तरफ से, या महाविकास अघाड़ी के किसी और गठबंधन का चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित हो। लिहाजा उद्धव ठाकरे का समय तो पूरा हुआ, अब राजनीति को संभालने के लिए उनके पास बड़ा मौका है। 2.5 साल आदित्य ठाकरे को बड़ा मौका दिया है, अब मौका है तेजस ठाकरे को उतारने का, वो भी एक ऐसे समय पर जब शिवसेना को लेकर जमीन पर जमकर हलचल मची हुई है। शिव सैनिक एक बार फिर एक्टिवेटेड दिख रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है। एकनाथ शिंदे असली हैं, उद्धव ठाकरे असली हैं, समझ नहीं आता। लेकिन ठाकरे परिवार तो असली है, बाला साहब ठाकरे की विरासत तो असली है, उनके बेटे और उनके पोते तो असली हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और उद्धव ठाकरे इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, इस इमोशनल कार्ड में वो अब अपने बेटे को नहीं बल्कि बाला साहब ठाकरे के एक और पोते को मैदान में उतारने जा रहे हैं, और सियासत में इसे बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आदित्य ठाकरे का भी प्रमोशन होगा, आदित्य ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन शिवसेना किसकी होगी ये फैसला भी जल्दी ही हो जाएगा। उसके बाद आदित्य ठाकरे का कद बढ़ेगा, और तेजस को यूथ विंग का नेतृत्व देना अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा कदम होगा। राज ठाकरे की सियासत यहीं से शुरू हुई थी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।